ये क्या है? अब नेक्स्ट टॉपिक आपका इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। सेम प्रोसेस ये WCR के ही तरह है। तो दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट टू मीट द फॉल्स इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दिस रिजर्व इज ट्रीटेड एज फॉलोस, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, जो भी रिजर्व है, ठीक है, वो मार्केट में उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, उस कंडीशन में हम लोग इसका ट्रीट करते हैं। और कब करते हैं? जब हम लोग पार्टनर का रेशियो चेंज करते हैं उस टाइम, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग एंट्री क्या करेंगे, ये करना है। देखना, फर्स्ट केस इसका क्या है, व्हेन बुक वैल्यू ऑफ एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम, मतलब जब मार्केट की वैल्यू और बुक की वैल्यू दोनों सेम होगी, उस कंडीशन में एंट्री हम लोग को क्या करना है, ठीक है। ये है क्या, ये इसको देख लिया जाए ज़रा। इन सच अ केस द इंटायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द इंट्रीज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। मतलब कि जब मार्केट की वैल्यू और बुक की वैल्यू दोनों सेम होगी, मतलब जो भी हमारे पास जो भी एसेट्स है, जो भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, उसकी वैल्यू और उसी की वैल्यू मार्केट में सेम टू सेम होगी, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारे रिजर्व में से जो पैसा है, जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट का, वो कहीं भी इन्वेस्ट मतलब कहीं भी लगा नहीं है, ठीक है। हमने 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट रिजर्व पर निकाल कर रखा था और मार्केट में उस की वैल्यू में कोई भी इंक्रीमेंट या कोई भी डिक्रीजिंग नहीं हुआ है, तो हमारी जो रिज़र्व की वैल्यू है, जो हमने रिज़र्व में रखा था, वो कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, फिर वो पैसा हम लोग पार्टनर्स को दे देंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। मतलब जो भी रिजर्व हमने रखा था निकाल के, वो कहीं यूज़ नहीं हुआ है, तो फिर हम वो पार्टनर को बांट देंगे, ठीक। सेकंड मेथड है, सेकंड पॉइंट है क्या, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू क्या हो रही है, वो डिफरेंस हो रही है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है मार्केट की वैल्यू से, ठीक है। तो इन सच अ केस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द क्वांटम ऑफ डिक्रीज। देयर में बी थ्री पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। यहाँ पे करें तीन केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस इसका क्या है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ लेस दैन इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। इन सच अ केस इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व टू द एक्सटेंट ऑफ फॉल इन वैल्यू इज क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड द बैलेंस इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर ओल्ड पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी वैल्यू हमारी इन्वेस्टमेंट की है रिजर्व में, ठीक है, और उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, ठीक है, एक हो गया इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व और एक हो गया इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो कम हो गई मार्केट वैल्यू से, ठीक है। जब कम होगी तो हम उस रिज़र्व में से पैसा निकाल के उसको क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो अगर क्या है, वैल्यू लेस है, ठीक है, वैल्यू हमारी लेस है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व से, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से पैसा निकाल के हम लोग इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, फिर जो पैसा बचेगा फिर पार्टनर को बांट देंगे, ठीक है। एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। मान लिया हमने 10,000 रुपये रखा था रिजर्व का और जो वैल्यू कम हो रही है वो 2,000 रुपये ही कम हो रही है, तो हम 2,000 रुपये उस रिज़र्व में से निकालेंगे, यूज़ कर देंगे, बाकी बचे 8,000 रुपये
8,000 रुपये हम पार्टनर को फिर बांट देंगे। ठीक, फिर सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, मतलब कि जब वैल्यू क्या हो रही है, जितना रिजर्व हमने रखा था उतना ही वैल्यू कम हो रही है, तो कोई पैसा बचेगा नहीं तो पार्टनर को बचेगा नहीं। ठीक, तो उस कंडीशन में एंट्री क्या होगी, उस कंडीशन में एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट, उस कंडीशन में एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक, 10,000 रुपये रिजर्व में रखा था और जो वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और मार्केट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, वो भी 10,000 रुपये से ही डिफरेंस हो रही है, 10,000 रुपये से ही कम हो रही है, तो हम रिजर्व का पूरा पैसा यहाँ पे यूज़ कर देंगे, तो कोई भी पैसा नहीं बचेगा तो पार्टनर को वो नहीं बटेगा। ठीक, लास्ट वाला क्या है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मतलब कि जितना हमने रिजर्व में पैसा रखा था डिफरेंस उससे ज़्यादा आ रहा है, जैसे कि हमने 10,000 रुपये रखा था और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट में और बुक में जो वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है वो 15,000 रुपये का आ रहा है। ठीक है, तो जितना रिजर्व हमने रखा था उससे ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है, उससे ज़्यादा का जो है वैल्यू कम आ रही है, उस कंडीशन में एंट्री कैसे करेंगे ये देखिए। उस कंडीशन में एंट्री हम लोग करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, फिर यहाँ पे भी हम लोग एक अकाउंट ओपन करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का और फिर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कर देंगे। ठीक है, तो जितना रिजर्व हमें रखा था वो 10,000 रुपये यहाँ दिखाएंगे, जो ज़्यादा आ रहा है 5,000 रुपये वो यहाँ दिखाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, वो इन्वेस्टमेंट में दिखाएंगे। ठीक है, फिर जो 5,000 रुपये जो ज़्यादा आया है जितना रिजर्व में रखा था हमने, ठीक है, उसको हम लोग फिर से पार्टनर से रिकवर करेंगे, तो उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो 5,000 रुपये को हम लोग क्या करेंगे, होल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे कि हर पार्टनर को कितना रुपए फिर से देना हो। ठीक है, फिर लास्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं।